Hey, welcome back to our channel. In today's video, I will tell you how to hide and manage notification. Is device में lock screen notification, app notification hide कैसे करें? दोस्तों, notification manage करने के लिए सबसे पहले phone settings में जाना है। Phone settings open करने के बाद scroll करते हुए नीचे नीचे आइए। इसके बाद notification and status bar पे क्लिक करना है। यहाँ से हम सभी notification को control कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल पर कोई एप्लीकेशन नोटिफिकेशन भेज के आपको परेशान कर रहा है तो आप यहाँ से उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन टोटली बंद कर सकते हैं। कहीं सारे थर्ड पार्टी ऐप का नोटिफिकेशन ऑलरेडी बंद किया हुआ है। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉयर। स्क्रीन लॉक होने के दौरान ऊपर से नोटिफिकेशन ड्रॉयर खोलने से रोकने के लिए आप इस सेटिंग्स को ऑफ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कॉन्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने से आपके फ़ोन में जितने सारे नोटिफिकेशन आएगा वो कॉन्टेंट के साथ लॉक स्क्रीन पर शो होगा। शो ऐप ओनली, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन तो आएगा पर नोटिफिकेशन के अंदर जो कॉन्टेंट है वो हाइड रहेगा। मेरे हिसाब से इस ऑप्शन को सेट करना सबसे बेस्ट होगा। डू नॉट शो, दोस्तों अगर आप डू नॉट शो ऑप्शन को चूज़ करेंगे तब लॉक स्क्रीन के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा मैनुअली किसी एप्लीकेशन का लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन ब्लॉक एंड अनब्लॉक कर सकते हैं। बैनर नोटिफिकेशन, फ़ोन को उपयोग करते समय होम स्क्रीन पर ये जो नोटिफिकेशन आया है इसे बैनर नोटिफिकेशन बोला जाता है। अगर आप चाहते हैं किसी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन सिर्फ नोटिफिकेशन बार में ही आए लेकिन ऐसा बैनर की तरह शो ना हो तो यहाँ से उस ऐप का परमिशन बंद कर सकते हैं। अगर किसी ऐप का बैनर नोटिफिकेशन ऑफ किया हुआ है तो यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। ऐप आइकॉन बैज, यहाँ जब किसी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आएगा तो वो नंबर या डॉट के रूप में दिखाई देगा। नेक्स्ट मोर सेटिंग्स ओपन करना है। यहाँ आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री फीचर्स देखने को मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन बार से कोई नोटिफिकेशन गलती से डिलीट हो जाता है तो यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री से टाइम स्टैम्प के साथ उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। वैसे अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज डिलीट भी कर दे फिर भी आप यहाँ से देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।